Hello and welcome back to the channel, everyone. I hope all of you guys are doing extremely well. And this is a warm welcome once again to my channel. Warm इसलिए क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, आप लोग मुझे देख के ही समझ पा रहे हो. तो विंटर के मौसम में हम लोग ने एक टूर प्लान किया था. टूर प्लान इज गिवन बाय माय हस्बैंड, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर माय बर्थडे. जगह पे जो हम लोग अभी है, दिस इज इन डुअर्स इन आर एरिया. तो मैं जलपाईगुड़ी की रहने वाली हूँ और डुअर्स हमारे होम टाउन से बहुत ही नज़दीक है. तो हम लोग आए हैं इस बार डुअर्स में और दिस प्लेस इज कॉल्ड द रिवर वुड रिसोर्ट रिट्रीट. बहुत बड़ा एक लंबा नाम है. खैर, तो ये है बिल्कुल डुअर्स के बीचों बीच जो है गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आप लोगों को पता होगा कि गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है हमारे डुअर्स में. दिस फॉरेस्ट इज नोन फॉर इट्स एलिफेंट, लेपर्ड एंड वन हॉर्न राइनो. देश भर से लोग, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं वाइल्ड लाइफ का मजा उठाने. तो अभी हम लोग जिस होटल में हैं, दिस अ वेल प्लान्ड, वेल डेकोरेटेड, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आप लोग जरूर आओ. एक हम लोग का एक दिन का टूर था यहाँ पे, वन नाइट. तो आज हमारा टूर का चेकआउट डे है. हम लोग कल आए थे और कल आके हम लोग अच्छे से यहाँ का प्रॉपर्टी से आप लोगों के लिए शूट किया है. तो अभी हम लोग का फ्री ब्रेकफास्ट टाइमिंग हो चुका है, तो अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए. तब तक आप लोग ये प्रॉपर्टी एंजॉय करो और मुझे जरूर बताओ कि कैसा लगा यहाँ का रूम टूर. मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल. तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है हमारा रूम. तो ये है हमारा एंटायर रूम व्यू. दिस इज द सिटिंग एरिया और यहाँ पे एक बड़ा सा केसमेंट भी लगा हुआ है. और बाहर का व्यू, सनलाइट बहुत आता होगा सुबह, अभी भी आ रहा है. देखो वर्ल्ड टीवी लगा हुआ है. यहाँ पे आ गया वॉशरूम. तो चलिए अभी वॉशरूम देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय होटल रिव्यूज. आप लोगों को तो पता ही होगा. दिस इज अ स्पेसियस वॉशरूम आल्सो. वॉशरूम भी काफी वेल डेकोरेटेड है, नीट एंड वेरी क्लीन. गीजर भी लगा हुआ है. And this is a round mirror. And there is a toiletries here. And this is a bathing area. ये एक single basement. यहाँ से भी आपको बाहर का views दिखेगा. And this is AC. और यहाँ पे wooden furniture दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे drawers भी है. और यहाँ पे एक टेबल टॉप भी है, कैन यूज इट. एंड दिस इज अ स्मॉल टेबल. यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल, फ्रेश बॉटल ऑफ वाटर्स और चाय का सारा सामान बेड के पास. दिस इज ऑल्सो स्मॉल साइड टेबल. एंड दिस इज द बेड, शोइंग यू द बेड प्रॉपरली. देखिए रूम में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ही कंफर्टेबल रूम एम्बियंस भी बहुत खूबसूरत है. और आई एम शोइंग यू समथिंग डिफरेंट जो हर जगह पे नहीं होता है. दिस इज द बैक डोर. ये एक स्पेशल चीज. यहां से भी आप एंट्री कर सकते हो. एंड दिस इज द एंटायर ओपन एरिया. सो अभी तक आप लोगों ने सारा रूम टूर देख लिया होगा. सो वी हैव दिस आइटम्स फॉर आवर ब्रेकफास्ट.
सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि वी शुड क्लियर टू यू. कल जो लंच और डिनर हम लोग ने किया था वो क्वांटिटी वाइज इट इज़ नॉट सफिशिएंट इफ़ यू आर टू मच हंगरी. अगर आप लोग भूखे नहीं हो और थोड़ा ही कुछ खाने का मन है तो इट्स इनफ फॉर द टू पर्सन. बट अगर आप लोगों को लगता है कि यू आर टू मच हंगरी तो वो राइस क्वांटिटी और मेन कोर्स में जो बेस जो कुछ भी रहेगा राइस नूडल्स एनीथिंग यू हैव टू ऑर्डर फॉर द टू पोर्शंस एंड अदर क्वांटिटी फॉर द दाल सब्जी और एनीथिंग एल्स इज इनफ फॉर टू पर्सन. और अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हम लोगों को मिला है ये भी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यूजुअली क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फॉर टू पर्सन हम लोगों को पता होता है कि 2% का फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है, लेकिन ये जो हमने वेबसाइट से चेक इन किया था मतलब बुकिंग किया था उसमें 1% का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था. 300 to 400 एक्स्ट्रा पर्सन के लिए आपको पे करना पड़ेगा. और ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस कॉन्टिनेंटल में यही सब फिक्स रहता है जैसे ब्रेड जैम ब्रेड बटर जूस ये सब. एंड द इंडियन पार्ट लाइक आलू पराठा सब्जी पूरी सब्जी पूरी भाजी ये सब चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर मेनू एंड शेड्यूल. मेन कोर्स का जो टेस्ट है आपको आप जो भी बोलोगे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपको पहले से ऑर्डर करके 1 to 2 hours का टाइम लेके आपको खाना ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं रहता है. तो जैसे आप लोग बोलोगे दे विल मेक डिश फॉर यू. सो कुछ भी चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल या फिर एनीथिंग यू कैन ऑर्डर. तो आप जैसे भी बोलोगे वो आपको डिनर या लंच में दे विल प्रोवाइड द सेम. एंड द टेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वान्टिटी एंड प्राइस इज़ एवरेज नॉट सो मच टेस्टी और सो मच डिलीशियस एनीथिंग. बट ठीक है अकॉर्डिंग टू प्राइस इट्स आई थिंक इट्स द फूड प्राइस इज लिटिल बिट कॉस्टली जो मुझे लगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड क्वान्टिटी. सो दिस इज़ माई फेयर ओपिनियन अबाउट द फूड एंड क्वान्टिटी एंड प्राइस. सो चलिए अभी हम लोग को बहुत देरी हो गया है तो नाउ वी हैव टाइम फॉर चेकआउट. तो अभी हम जल्दी से ब्रेकफास्ट जो है ख़त्म करेंगे उसके बाद यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे. फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता भूला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहर समंदर पे.